शहरयार के साथ आप हैं? जी जी मैम। उसके सर पर काफी शदीद चोट लगी हुई थी, खून काफी बह चुका था, अस्पताल आने से पहले डेथ हो गई। व्हाट? डॉक्टर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा भाई ऐसे कैसे मर सकता है? आप प्लीज जाके देखें ना, उसको बचाएं प्लीज। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखें हम क्या कर सकते थे, हॉस्पिटल आने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। हाँ अलबत्ता उनकी मिसेज को मामूली चोटें आई हैं, ड्रेसिंग के बाद उनको घर भेज देंगे। समझ नहीं आ रही ये शहरयार फोन क्यों नहीं उठा रहा। कितनी मर्तबा उससे कहा है जब भी बाहर जाओ मैं कॉल करूं तो फौरन उठाया करो। पाजी इतना क्यों परेशान हो रही है? वो आयमा के साथ गया है, हो सकता है उसने फोन साइलेंट पे कर दिया। जब उसकी नजर पड़ेगी तो फोन कर लेगा। अरे अफान ये क्या हालत बना रखी है तुमने? बोलो भी क्या हुआ है? तुम्हारी शहरयार से बात हुई? कब से उसे फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। मम्मी वो फोन नहीं उठाएगा। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो तुम? मम्मी वो आपकी कॉल अब कभी नहीं उठाएगा। या अल्लाह क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो मुंह से, कोई अच्छी बात मुंह से निकालो। क्यों नहीं उठाएगा फोन? अफान मैं फोन करूं शहरयार को और वो फोन ना उठाए, ऐसा बहुत कम होता है। शहरयार हम सबको हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी यकीनन उससे लड़ाई हुई है और ये सब तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ। मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही, शहरयार और आयमा का कार एक्सीडेंट हुआ है। क्या मेरी बेटी ठीक है ना? खाला वो ठीक है, बस चंद चोटें आई हैं, लेकिन शहरयार हमें छोड़ के चला गया। मम्मी अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे चला गया? मैं खुद उसे लेकर आती हूँ। मम्मी मम्मी नहीं जा सक। अब समझ क्यों नहीं रही, शहरयार चला गया है, मर गया है वो। हाँ क्या संभाले खुद, मम्मी बैठे पानी लाए, पानी लाएंगे लिए जल्दी। मम्मी मम्मी एमल बेटा उठो जल्दी करो, शहरयार के घर से फोन आया है, वहां जाना है हमने। आप लोग क्यों जाएंगे वहां? और शहरयार को देखें, मुझे तैयार करवा कर बिठा दिया और अभी तक लेने नहीं आया मुझे। अफान का फोन आया था, फाखरा ने फिर कोई मसला खड़ा कर दिया, हमें वहां जाना होगा। मैं जानती थी कि यही होगा, वो कभी भी अपने बेटों को खुश नहीं देख सकती। भी उन्होंने तो शहरयार को हमें फोन भी नहीं करने दिया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए उन्होंने हमें बुला लिया।
मुझे नहीं जाना। अरे भाई क्यों नहीं जाओगी, जाना पड़ेगा, तभी तो हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं। हमें वहां जाके फाखरा बेगम से बात करनी चाहिए। आप लोग क्या ही बात करेंगे उनसे? बेटा यही बात करेंगे ना कि जब शहरयार ने तुम्हें कबूल कर लिया है तो वो खामखा बीच में रुकावट क्यों बन रही है? अम्मी वो इतनी आसानी से समझने वाली नहीं है। वो पहले कभी कुछ समझी है जो आप समझेंगी? हमेशा यही होता है, शहरयार एक कमजोर इंसान है जो अपनी मां से डरता है, उनका कभी सामना नहीं कर सकता, वो मुझे कभी तहफ्फुज़ नहीं दे सकेगा, सब बेकार। अच्छा उठो जल्दी करो, अफ़ान परेशान लग रहा था, तभी तो कहा है कि हम तुम्हें लेके जल्दी पहुंचे। चलो बाहर आ जाओ। सब बेकार है।